पेजावर हिंदू युवा क्रांति दल ने भारत सरकार से मांग की है कि 14 फरवरी का दिन शहीद दिवस के रूप में घोषित किया जाए और पूरा देश 14 फरवरी का दिन शहीद दिवस के रूप में मनाए, तभी हमारी शहीद हुए सैनिकों को सच्ची श्रद्धांजलि अर्पित होगी एवं दिल्ली के राम भक्त रिंकू शर्मा को भी श्रद्धांजलि अर्पित की एवं भारत सरकार से आग्रह किया कि हत्या की जाँच की जाए और आरोपियों को फांसी की सजा दी जाए। इस श्रद्धांजलि में जितेंद्र तिवारी, जीतू, आकाश शुक्ला, मयंक दुबे, महेंद्र सिंह राजा, अंशुल प्यासी, आदित्य सिंह तोमर, कमलेश विश्वकर्मा, बॉबी सेन, लखनजी पांडे, ब्रजेश साहू, दीपेंद्र पांडे, किस्सू पांडे, अजीत सिंह तोमर, शेलू जैन, विशाल सेन मौजूद रहे। बिजावर बस स्टैंड अशोक स्तंभ पर हिंदू युवा क्रांति दल द्वारा 14 फरवरी को पुलवामा अटैक में शहीद हुए सैनिकों को श्रद्धांजलि अर्पित की है। भारत सरकार से आग्रह किया है कि 14 फरवरी का दिन शहीद दिवस के रूप में घोषित किया जाए, तभी हमारे सैनिकों को सच्ची श्रद्धांजलि अर्पित होगी एवं दिल्ली में हमारे राम भक्त भाई रिंकू शर्मा की निर्धरता से हत्या की गई है। हम भारत सरकार से आग्रह करते हैं कि जाँच कराकर आरोपियों को फांसी की सजा दी जाए। वॉइस ऑफ राइट्स के लिए विजावर से नितिन तिवारी की रिपोर्ट।